मिर्जापुर के शहर कोतवाली में गिरफ्तार सपा नेताओं ने थाने के अंदर हंगामा और नारेबाजी की। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को थाने से जिला अस्पताल मेडिकल के कराने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से गिरफ्तार सभी 6 सपा नेताओं को जेल भेज दिया गया। कल मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उसमें सपा नेता ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, क्या था पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई? कल कुछ लड़कों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो सूचना मिली थी, इसमें हमारे चौकी इंचार्ज गए थे, उन्होंने और सूचना के आधार पर उनको जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि विरोध प्रदर्शन कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया बाद में, और फिर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में सर मुकदमा दर्ज किया गया? ये धारा 144 के उल्लंघन में, धारा 188 और 341, 353 IPC और 7CLA एक्ट के अंतर्गत इनको अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। बता दें कि सपा नेताओं CM योगी के विरोध में 29 जनवरी को उन्हें गाय भेंट करने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार सपा कार्यकर्ताओं को मेडिकल करवाने और कोर्ट में पेश करने के लिए थाने से उन्हें ले जा रही थी, लेकिन गिरफ्तार सपा नेताओं ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के विरोध और हंगामे को देखते हुए थाने में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार सपा नेताओं के मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस ने CM के विरोध पर इन्हें धारा 144 के उल्लंघन सहित कई मामलों में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पंजाब केसरी TV के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।